आपने आज तक सुना और देखा होगा कि हिंदू धर्म के अनेकों तीर्थ स्थान हैं, लेकिन यदि कबीरपंथी अनुयायियों के तीर्थ स्थान की बात की जाए तो वह केवल देश में बुरहानपुर एकमात्र ऐसा स्थान है कि यहाँ पर उनका तीर्थ स्थल है। इस स्थान पर देश विदेश के अनुयायी पहुँच कर पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसलिए भी देश का इसे एकमात्र कबीर निर्णय मंदिर कहा जाता है कि केवल बीजक की पढ़ाई यहीं पर होती है। साधकों को बीजक केवल यहीं पर पढ़ाया जाता है, जिसके बाद वह भी साधु का रूप धारण करते हैं। जब मंदिर के दानवीर दास से लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि सदगुरु पूरण साहेब की ओर से मंदिर की स्थापना की गई थी। उन्होंने कबीर के बीजक की टीका लिखी है, इसे बीजक की पहली टीका भी कहा जाता है। इस टीका का नाम त्रिजा रखा गया। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक सदगुरु पूरण साहेब की 186वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें देश विदेश से भी अनुयायी शामिल होंगे। इनके रहने खाने की व्यवस्था मंदिर की ओर से की जा रही है। इस कार्यक्रम में एक अनोखी बात यह है कि आज तक आपने देखा होगा कि जिनकी पुण्यतिथि होती है उनकी पूजा अर्चना का विशेष महत्व रहता है, लेकिन यह कबीरपंथी लोग जीवित गुरुओं का पूजन करने में विशेष महत्व मानते हैं। इसलिए गादी के 10वें गुरु सदगुरु महान साहेब जी का पूजन इस दिन अनुयायी और संत करेंगे। विशेष आयोजन होने वाले और क्या कैसे पर्यटक आएंगे यहाँ पर? ये सदगुरु पूरन साहेब जी की गादी है। सदगुरु पूरन साहेब जी की विशेषता है कि सदगुरु कबीर साहेब जी की जो ग्रंथ है बीजक, उसके विश्व के प्रथम टीका उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, और ये भारत भर में पहले ही मंदिर है जो यहाँ उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुण्यतिथि तो सदगुरु पूरन साहब जी की मनाते हैं, पर पूजा आरती इस उसके गादी में विराजमान आचार्य सदगुरु महान साहेब जी 10वें गुरु हैं, उसकी पूजा आरती होती है। यहाँ देश विदेश से सभी जगह से लोग आते हैं, करीबन 8-10 हज़ार पब्लिक की व्यवस्था यहाँ रहते हैं। कब से कार्यक्रम शुरू होगा, क्या क्या कार्यक्रम है? सुबह 5 बजे से कार्यक्रम चालू होता है तो रात में 10-11 बजे तक चलता है। इसमें कार्यक्रम बीजक के सदगुरु कबीर साहब जी के बीजक है, उसके अखंड पाठ होता है और सत्संग भजन कीर्तन। कहाँ से अनुयायी आते हैं? भारत के सभी जगह से, दूसरे देशों से भी आते हैं। विशेष रूप से हमारे नेपाल से ज्यादा लोग आते हैं, वहाँ हमारे आश्रम भी है। कब कब आयोजन होगा, ये किस तारीख को आयोजन? ये 27 तारीख, 28 तारीख, 29 और 30 को, 30 को महापूजा है। महापूजा देश विदेश से भी पर्यटक, देश विदेश से पर्यटन सब आते हैं। उसके सब रहने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था मंदिर की तरफ से रहता है। क्या नाम अपना? दानवीर दास।